आईबीपीएस ग्रुप चैनल पर आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इंटरव्यू का पार्ट था। अब यहाँ पर देखो, इंटरव्यू में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट अलग अलग इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसा हो और वो इंट्रोडक्शन क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। शेखर नाम का एक हमारा स्टूडेंट था, उसने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया आईबीपीएस का, तो यहाँ पर याद रखिएगा उसके इंटरव्यू में कुछ जो बेसिक्स थे उसमें कुछ उससे गलतियाँ कैसी। उसने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद के तीन प्रश्नों से अनफॉर्चुनेटली पता नहीं थे। अब यहाँ पर सीधी सी बात हम लोग क्या करते हैं कि पहले तीन प्रश्न उसे पता नहीं है, तो यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में एक स्वाभाविक सा जाता है कि कहीं ये लड़का नर्वस तो नहीं है, ये स्टूडेंट नर्वस तो नहीं हो गया। तो उसने इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, आर यू नर्वस, तो उसने जवाब दिया सर आई एम लिटिल बिट नर्वस, जो कि बिल्कुल सच्चाई थी और सच्चाई के करीब। यहाँ पर याद रखिएगा उस लड़के का सिलेक्शन उसी इंटरव्यू के ग्राउंड पर भारतीय महिला बैंक की पहली बैच में होता है। अब आप समझ चुके हो कि अगर इंट्रोडक्शन अच्छा देते हैं तो उसके बाद अगर दो तीन प्रश्न नहीं भी आते, याद रखिएगा प्रश्न आने या न आने से कोई भी आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी ग्राउंड है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, न कि नॉलेज को। तो यहाँ पर तीन प्रश्नों का उत्तर न देना भी उसे कोई खास अपने कैरियर में रुकावट नहीं बना, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, आपने वेल मैनर्ड रूप में दिया है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिले। इंट्रोडक्शन होता क्या है? जो हमारी फॉर्मल इंटरव्यू होती है उसका ये आमतौर पर ये पहला प्रश्न है, हमेशा पहला नहीं होगा ये मान के चले, इंटरव्यू बोर्ड जहां से चाहे वहां से शुरुआत कर सकती है। मान लीजिए ये पहला प्रश्न आता है आपके पास, करीब करीब मुझे लगता है 50% स्टूडेंट के पास ये पहला प्रश्न के रूप में आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे आप अपना परिचय देंगे। तो यहाँ पर याद रखिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका आपके नाम से, आप अपना शुरुआत करेंगे आप अपने नाम से। अब यहाँ पर नाम की बात जहाँ आती है, नाम आपका जो भी हो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, समझ में आ गई ना। नाम याद रखिएगा हो सकता है कुछ ऐसा नाम हो जिसमें सिमिलर कई बड़ी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हो। मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, अगर राहुल उसका नाम है तो उसे पता होना चाहिए कि राहुल द्रविड़ कौन है, राहुल गांधी कौन है, और राहुल से सिमिलर नेम वाले जो फेमस पर्सन है इंडिया में उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहां पर आप याद रखें, आप अपने नाम का न सिर्फ मतलब पता रखें बल्कि नाम के अन्य जो समान लोग हैं उनके बारे में भी एक लाइन का कम से कम इंट्रोडक्शन रखें। तो ये नाम का इंपॉर्टेंस है यहां पर। दूसरा चीज, नाम आपका जो भी है ये आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके नाम से रिलेटेड कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पहली पर्सनालिटी बनेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि अब आप टेंशन में आ जाओ, कह रहे मेरे नाम से तो कोई जुड़ा हुआ कोई फेमस पर्सन है ही नहीं, मतलब मैं फेमस कैसे बन सकता। तो ये नेगेटिव थॉट है, ये सब नाम है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता इंटरव्यू बोर्ड को। नेम के बाद जो दूसरा पॉइंट आप रखेंगे वो है आपका नेटिव प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये पूरे बायोडाटा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। अब आप नेटिव प्लेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, जैसे ही आप नेटिव प्लेस बोलोगे आपका इंट्रोडक्शन पूरा होगा, तुरंत उसके बाद उसी नेटिव प्लेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे। खासकर बैंक के इंटरव्यू में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्यों, क्योंकि ये जो स्टेट लेवल पर इंटरव्यू होती है उसमें वो बैंकर होते हैं जो उस स्टेट के डिफरेंट अलग अलग लोकेशन पर बैंक को वर्षों सेवाएं दे चुके हैं, हो सकता है आपके मोहल्ले के वो चार लोगों के नाम भी जानते हो, तो आप बिल्कुल ऐसा काम न करें जिससे कहीं भी आप पकड़े जाए, झूठ तो बोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब एक बंदा, मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट चला गया इंटरव्यू देने के लिए और उसे को अपने आप को प्रूफ करना था कि वो कैपिटल सिटी में रहता है। अब कैपिटल सिटी में रहता है तो निश्चित तौर पर वो इंटरव्यू कोलकाता में हो रही थी, अब उससे साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया कि ये बतलाओ
कि आप सियालदा से लेके दमदम की क्या दूरी है, कितना टाइम लगेगा। उसने अपना नेटिव प्लेस बतलाया था दमदम, तो आप समझ सकते हैं कि सियालदा से दमदम की क्या दूरी है। लेकिन उसने क्या किया, उसने बताया कि सर ज्यादा नहीं, इसमें से बस 10 से 15 मिनट लगता है। अब ऑब्वियसली 10 से 15 मिनट लगता है, ये कहीं ना कहीं आंसर बहुत सही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 मिनट अगर हम इस प्रकार से उल्टे पुल्टे आंसर देंगे, 10 से 15 मिनट उस स्थिति में होगा जब बिल्कुल गाड़ियां खाली हो, रोड खाली हो, तो कलकत्ता में तो वैसा स्थिति होता नहीं है। तो आपको बतलाना पड़ेगा कि लोकल बस या टैक्सी से जाने में कितना टाइम लगेगा। वहीं 1 मिनट में इसी डिस्टेंस को दूसरे तरीके से 3 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखिए, आपको छोटे मोटे प्रश्न मिल सकते हैं ऐसे जो आपके नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नेटिव प्लेस का आप हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखिए। सपोज कीजिए कोई चंदन नगर में रहता है, तो चंदन नगर में रहने वाला चंदन नगर की पूरी हिस्ट्री आप तैयार करके रखो। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फेमस पर्सन देखेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप के प्लेस में कौन 5 प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं या कौन प्रसिद्ध 5 व्यक्ति हो चुके हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग बात करेंगे तो कोलकाता के 5 फेमस पर्सन या वेस्ट बंगाल के 5 फेमस पर्सन, 5 प्रसिद्ध नदियां, 5 प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, ये भी क्वेश्चन के हिस्से बन सकते हैं। तो ये सब एक इन जनरल क्वेश्चन है जो बातचीत के दौरान पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखें। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा वापस ले चलता हूँ। क्या नाम के साथ माता पिता का इंट्रोडक्शन ऐड करना चाहिए? यहाँ पर याद रखिएगा, नाम के साथ कभी भी माता पिता का इंट्रोडक्शन आप ऐड नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा गया है इंट्रोड्यूस योर फैमिली बैकग्राउंड, तब ये एक स्कोप है आपके लिए, आप अपने परिवार का पूरा परिचय दीजिए। लेकिन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब होता है आप खुद अपना परिचय दें, न कि आपके परिवार का। अगर आप अपने परिवार का इन्फ्लुएंस वहां क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पहले बता दूं नेगेटिव जाएगा। तो कभी ऐसा काम ना करें। सपोज कीजिए आप बहुत बड़े राजनेता के परिवार से बिलोंग करते हैं, बड़े IAS अधिकारी के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीजों को ना बताएं जब तक पूछा ना जाए। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड इसका मतलब यही निकालता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उससे कुछ इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखें, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो भी 25 साल, 30 साल, 35 साल का बैंकिंग कैरियर रखते हैं और बैंकिंग में उनका अच्छा नाम है, तभी वो इंटरव्यू पैनल में है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और माता पिता यहाँ पर याद रखिएगा, नौकरी कौन करने जा रहा है, आप या आपके माता पिता? जाहिर तौर पर आप जाओगे तो फिर माता पिता का क्या काम। तो इंट्रोडक्शन में जबरदस्ती अपने माता पिता को इंक्लूड ना करें। सजेशन हमारा यही है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये था हमारा 2 पॉइंट इसके नेटिव प्लेस और नेम के बारे में। हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में लास्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, वर्क एक्स, स्ट्रेंथ वीकनेस और हॉबीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे। लेकिन अभी आप इसे पूरा का पूरा समराइज वे में समझ लें कि क्या क्या हमें करना है। इंट्रोडक्शन सबसे पहला 1 मिनट के आसपास का होना चाहिए, और इस इंट्रोडक्शन में जैसे ही आप बोलेंगे माय नेम इज XYZ, तो यहाँ पर नेम के साथ आपको अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके रखनी होगी। सपोज कीजिए आपका जन्म है 14 नवंबर को, जन्म 14 नवंबर को है, तो 14 नवंबर क्या होती है सबको पता है, ये बाल दिवस है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपके लिए एराइज होंगे ये भी लिखना होगा। 14 नवंबर अगर आपका जन्मदिन है तो आप बाल दिवस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें, पंडित नेहरू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। साथ ही उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और डायबिटीज के बारे में ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है इंटरव्यू में। कुछ भी ऐसा लूज पोल ना छोड़े जो आपके लिए प्रॉब्लम बने। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको अगले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल को क्लिक करेंगे। तो आप बेल को भी क्लिक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने कमेंट्स को भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।